बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे किताबुल असासी, पीडीएफ के ऊपर है पेज नंबर 24, अलवादतु सादिसा, छठा यूनिट। यहाँ से तमीना से आप पढ़ना शुरू कर दें। मन कौन, अना में, अंता आप, हुआ वो मुजक्कर, हिया वो मुअन्नस, मा क्या, मन हाजा ये कौन। ठीक है, अगले सफ़े पे लाम है। लिसान उन जबान, कलम उन कलम, यदखुलु वो दाखिल होता है, हिलाल उन चांद, रजुल उन आदमी, यर कब वो सवार हो रहा है, नमिर उन चीता, जी चीता, सौर उन बेल, नुकूद उन नकद, ठीक ठीक है, मिंदील उन रुमाल, सिन उन दांत, अस्नान ये सिन की जमा है, दांत है। ठीक है, अब आसिया साहब आप पढ़ें इसको। लिसान उन जबान, कलम उन कलम, यदखुल उन दाखिल हो रहा है, हिलाल उन चांद, रजुल उन आदमी, यरकब उन सवार हो रहा है, नामिर उन चीता, सौर उन ये खाओ बैल बेल बैल, नकुद नकुद उन नकद, मिंदील उन हैंडकरचीफ, रुमाल, ठीक है ठीक है, सिन उन दांत, अस्नान उन दांत की वो जमा है। ठीक है, अगला सफा, अगला सफा पढ़े आसिया साहब आप। जी, मन मन आना ये वाला ये तदरीबात, दा दायरा हो रमज सऊत लजी तस्मा ओवी अवल कलिमा, बल्कि इन दोनों सवालों को छोड़ तीसरे सवाल पे आ जाएं। तदरीब सालिस, उक्तुब अल कलिमात अल आतिया, क्या मतलब है इसका? उक्तुब लिखो इन कलमों को, आतिया जो नीचे नीचे दिए गए अल्फाज को लिखें। ठीक है जी, तो आप इनको पढ़ें, इनको और मतलब बताएं सबका। मेहरा सुन, जी मेराज कहते हैं हल को, जो बैल के पीछे हम लगा कर हल चलाते हैं। हल को हिमसाला, मुजस्मा, हिमसाल का मुजस्मा स्टैचू, ओके स्टैचू, विसादता। तमीना साहब आप ये सब लफ्ज एक दफा पढ़ लें और इनका मतलब बताएं, फिर आसिया साहब पढ़ लेंगे। ओके, महराज तुम हल, इंसालुन स्टैचू, विसाद तुम तकिया, हबलुन वो रस्सी, अच्छा रस्सी, यरवन कुत्ते का बच्चा, जावितुन इंस्पेक्टर, मकतबुन में एस, किपकतुन बिल्ली की जमा है, किपकतुन की जमा है, ठीक, यसफु वो हंस रहा है, सफीनतुन कश्ती, अमशातुन तंगिया, सियारतुन गाड़ी, कार, जरफुन लिफाफा, हदीकतुन बाग, मिकसुन कैंची। ठीक है, अब आसिया साहब आप पढ़ें। मेहरा सुन हल, तिमसाला स्टैचू, विसादता, तकिया सराना पिलो पिलो, हबलुन रस्सी, जरवुन पप्पी, जाबितुन दाबित इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, मकतब टेबल, किताबुन ये बिल्ली की जमा है, यसहकुन हंस रहा है, सफीनतुन बहरी जहाज, अमशा सफीना बहरी जहाज, अमशातुन कंगिया, सैयारतुन पार्क, ज़र्फ एनवेलोप, हदीकतुन बाग, मिकस कैंची, मिकस में कोशिश किया करें काफ थोड़ा सा मोटा हो, मिकस
जो मीकॉस। मुंह का बिल्कुल आखिरी हिस्सा और गर्दन का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा, कोशिश किया करें वहाँ से काफ़ की आवाज़ निकले। अगले सफ़े पे है मीकॉस तदरीबुल राबिया, तमीना साहब पढ़ना शुरू कर दें। अजीब जवाब दो अनिल अस्किल फिल्बे की उन सवालों सवालों का अल्लती वो तक बसुर थी तस्वीरों की मुझे सवालों का जवाब जवाबात थी माँ हाजा ये क्या है हाजा कलम ये कलम है हल हाजा जारिकुन क्या ये इंस्पेक्टर है ला बल हाजा लिसान है ये जबान है माँ हाजा ये क्या है हाजा हिलालुन हिला हल हाजा नमिर क्या ये चीता है नाम हाजा नमिर हज ये चीता है माँ हाजा ये क्या है हाजा सौरुन ये बैल है हल हाजा मंदिर क्या ये रुमाल है नाम हाजा मंदिर जी ये रुमाल है माँ हाजी ये क्या है हाजरी नकद हाजी नकूद 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 हल हाजरी सुनन क्या ये दांत है नाम हाजरी सुनन जी हाँ ये दांत है माँ हाजरी ये क्या है हाजरी अस्नान ये दांत है ठीक है जी। आशिक साहब आप आपकी बारी है। नहम हाजा कलमुन हल हाजा सवाल जाबितुन का क्या ये मतलब ही बताएं। इंस्पेक्टर है पहला सवाल आपने तो सर गलत मतलब बताया, दोबारा पढ़ें पहला सवाल। अजीब जवाब जवाब दे अनिल अस इलतु इन सवालों का अल्लती जैसे के दिए गए हैं तख्त सूर नीचे के जैसे के पिक्चर के नीचे सवाल दिए हैं इनके जवाब दे यस हाँ, जो तस्वीर के नीचे जो सवाल दिया गया है उसका जवाब दें। जवाब दे अगला माँ हाजा नाम हाजा कलमुन हल हाजा गलत है, गलत जाबितुन है, क्या गलत है, ये गलत। इंस्पेक्ट माँ हाजा ये क्या है, जवाब आपने क्या बोले? नाम हाजा कलमुन गलत, सिर्फ कहें हाजा कलमुन, ये कलम है। ओके हाजा कलमुन हल हाजा जाबितुन क्या ये इंस्पेक्टर है अब यहाँ यूज होगा जी बिल्कुल ला हाजा लिसानुन ठीक। मा हाजा ये क्या है हाजा हिलालुन हल हाजा नामिरुन नाम हाजा नामिरुन मा हाजा हाजा सूरुन हल हाजा नहीं 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 मंदिरुन नहीं नहीं सूर नहीं ना पढ़ेंगे, इसे इसे पढ़ेंगे साउर, सा के ऊपर फतह है। सऊर सऊर हल हाजा मिंदीलुन क्या ये रुमाल है नाम हाजा मिंदीलुन मा हाजी ही हाजी ही नुकूदुन हल हाजी ही सिन्नुन क्या क्या ये दांत हैं नाम हाजी ही सिन्नुन मा हाजी ही अस्नानुन ठीक है, अगले सफ़े पे आ जाएं जी। तमीना साहब आप पढ़ने से। मन कौन अना मैं कौन हूँ अना कमाल हूँ मैं कमाल हूँ मन अंता आप कौन है अना समीर हूँ मैं समीर हूँ अना कमाल हूँ मैं कमाल हूँ मन अंती तू कौन है अना लैला मैं लैला हूँ अना कमाल हूँ मैं कमाल हूँ मन हुआ वो कौन है हुआ हसन वो हसन है अना कमाल हूँ मैं कमाल हूँ मन किया वो कौन है ये समीर है वो समीर है जी। अब आप पढ़ें। मन अना मैं कौन हूँ अना कमाल मैं कमाल हूँ मन अंता ये कौन है आप कौन हैं? मन अंता ये कौन है आप कौन है अना समीर उन मैं समीर हूँ अना कमाल उन मैं कमाल हूँ मन अंती ये कौन है आप, मन का मतलब मन अंती, आप कौन हैं? मन अंती आप कौन है अना लैला लैला मैं लैला हूँ अना कमाल मैं कमाल हूँ मन हुआ वो कौन है हुआ हसान उन वो हसान है अना कमाल उन वो मैं कमाल हूँ मन हिया वो कौन है हिया समीर इसको पढ़ेंगे हसन, हुआ हसन। अब अगले सफ़े पे आ जाते हैं हुआ वो हसान ठीक है जी। तमीना साहब अगला सफ़ा शुरू करें। जी
मैं पढ़ूंगी। तहमीना साहब अगला सफ़ा पढ़ना शुरू कर दें। चूज करें, इख्तर का मतलब है चूज करें, मुंतखिब करें। यानी कि उसने सवाल में हमसे कहा है कि तस्वीर के लिए मुनासिब इस्तफामिया लफ्ज़ इस्तेमाल चूज़ करें, तस्वीर के लिए मुनासिब इस्तफामिया लफ्ज़ मुंतखब करें, ये सवाल में उसने हमसे कहा है। मन हाजा ये कौन है, हाजा रजुल याजी है, माँ हाजी ही ये क्या है, हाजी ही कितन ये बिल्ली है, मन हाजी ही ये कौन है, हाजी ही इमरातुन ये औरत है, माँ मन अंता आप कौन है, मन माँ हाजी ही ये क्या है, और ये भी है माँ हाजा ये क्या है। हाजी सफीना, मा हाजी हाजी सफीना, बेड है जी। हाजा सरीरुन, मा हाजा ये क्या है, हाजा सरीरुन ये बेड है जी। आसिया साहब आप पढ़ें। और ये इसमें हमने बस यही काम किया कि इंसानों के लिए हमने मन इस्तेमाल किया है, और जानवरों के लिए और जो दूसरी चीज़ें हैं उनके लिए हमने माँ इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। ठीक है। मन मतलब कौन, माँ हाजा ये क्या है, हाजा रजुलन हमने मन। नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा आप जी, इसमें वो ऑप्शन पढ़ेंगे, जी वो ऑप्शन पढ़ेंगे जो करेक्ट होगा। बिल्कुल सही ठीक है। है। मन हाजा यूज होगा, बिल्कुल सही है, माँ को काट देंगे मन हाजा और मन हाजा पे टिक रजुलन। लगा जी देंगे। जी मन हाजा हाजा रजुलन, माँ हाजी ही किस्तन, मन हाजी ही जी हाजी सर, लैला, हाजी खतीजा, कोई भी नाम ले सकते हैं। हाजी ही लैला, मन अंता ये ठीक है, कौन है, आप कौन हैं? आप कौन हो, अना सरी अना यासिरुन। ठीक है, आगे। माँ हाजी ही सफी सफीना, हाजी सफीना, माँ हाजा हाजा शरीर। ठीक है, आप मुझे बताएं अंता का क्या मतलब होता है, अंता आप और अंती? मतलब ये मोनस के लिए ठीक है, आप। ठीक है, अगले समय पे आ जाएं। अलवाद है तो साहब, या तहमीना साहब यहाँ से पढ़ना शुरू कर दें। सातवां सवाल, अस्वाद सही है कि आवाज मार जाइए, पर वो क्या कर रहा है। ठीक है, आगे। शीम शम्स सूरज यशब वो पी रहा है, औशन गौंसला आशाशन जमा है, और औशन की जमल ऊँट यजरी वो दौड़ रहा है, सरजुन बर्फ बर्फ यखरु जो वो निकल रहा है, याकुलु वो खा रहा है, सैफुन तलवार, यमशी वो चल रहा है, नायुन ना बांसुरी की एक किस्म है, अच्छा बांस जी। आशी से बाब आप पढ़ें। जी शम्सुन सूरज यशरबुन पी रहा है, कुछ पानी पी रहा है। ठीक, ओशन गौंसला ओशा शुन गौंसली के जमा है, ये जमल उन ऊंट यजरी दौड़ रहा है, सल जुन बर्फ, ठीक है, यहरुजुन निकल रहा है, यकुलुन का रहा है, ठीक है जी, सैफुन तलवार, यमशी चल रहा है, ना और ये क्या है, ना बांसुरी की एक किस्म है, ये साइज में छोटी होती है, इसकी पिच ज्यादा होती है। ओके अच्छा, सैफुल्लाह हज़रत खालिद बिन वलीद का लकब भी था, तो यहाँ पे हमने लफ्ज़ पढ़ा है सैफ।
अगला सफ़र पे आ जाएं। जी पहली दो तदरीबात को छोड़ दें और तीसरी तदरीब सालिस तमीना सबा पढ़ें। तदरीब सालिस उक्तुल कलिमात अल आतिया दिए गए कलिमात को लिखो। मिंदील रुमाल मुसल मुसलसुन। ये मैं पहले पढ़ती हूँ ना। नहीं नहीं पढ़ा आप। मुसलस वो ट्रायंगल शेप। जी महरासुन हल हाजा ये जाइलुन जाइलुन दुम को कहते हैं जाइलुन। अच्छा दुम। मक्तबुन मेज यशरबु वो पी रहा है। औशुन गौंसला आशाशुन औश की जमा है। यजरी वो दौड़ रहा है। यखरुजु वो निकल रहा है। सलजुन बर्फ। याकुलु वो खा रहा है। सैफुन तलवार। यमशी वो चल रहा है। नायुन बांस। ठीक है जी आशी साहबा। मिंदीलुन हैंडकरची। मुसलसुन ये ट्रायंगल शेप किसको कहेंगे क्या उर्दू में? तकोन में से कहते हैं शायद। अच्छा पता नहीं है मुझे। महरासुन हल हाजा ये जेलुन दुम। मक्तबुन टेबल। यशरबुन पी रहा है। ओशन गौंसला आशाशन गौंसली की जमा है। यजरी यजरी दौड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। निकल रहा है। ओ यखरुजु निकल रहा है। सही। यजरी भाग रहा है और यखरुजु निकल रहा है। निकल रहा है यखरुजुन। हाँ जी यखरुजुन निकल रहा है। सलजुन बर्फ। याकुलुन खा रहा है। सैफुन तलवार। यमशी दौड़ रहा है चल रहा है। नायुन चल रहा है। नायुन बांसुरी की किस्म छोटी बांसुरी। ठीक है अब यजरी का क्या मतलब है? यजरी निकल रहा है। गलत। दौड़ रहा यजरी दौड़ रहा है। दौड़ रहा है। और यखरुजु निकल रहा है। यमशी चल रहा है। ठीक है अगले सफ़े पे आ जाएं। तमीना से बयान से पढ़ें आप। माजा यफलु वो क्या कर रहा है। तिफलुन यसको बच्चा हंस रहा है। हिसानुन यजरी घोड़ा दौड़ रहा है। समीरुन यजलिसो समीर बैठ रहा है। हसनु यशरबु हसन पी रहा है। जमलु याकुलु ऊंट खा रहा है। समीरुन यरकबु समीर सवार हो रहा है। रजुलु यदखुलु आदमी दाखिल हो रहा है। कमालु यखरुजु कमाल निकल रहा है। ठीक जी आसिया। माहाजा यफलुन। माहाजा ये क्या कर रहे हैं? माजा यफलु। माजा यफलुन ये क्या कर रहे हैं? तिफलुन यजहकु। तिफलुन चेहरा बच्चा। तिफलुन बच्चा। बच्चा का हंस रहा है। हिसानुन यजरी घोड़ा दौड़ रहा है। समीरुन यजलिसुन समीर बैठ रहा है। हसानुन यशरबुन हसान पी रहा है। जमालुन याकुलु जमाल जो है वो आपने इसको ऊंट खा रहा है। आपने इसको पढ़ा भी गलत है जी। आपने इसको जमाल बना दिया। जमाल तो जमाल सही है। सही है। समीरुन यरकबुन समीर सवार हो रहा है। रजुलुन यदखुलुन रज दाखिल हो रहा है। दाखिल हो रहा है। कमालुन यहरजुन कमाल निकल रहा है। ठीक है अगला सवाल पे आ जाएं तमीना साहबा। अच्छा माजा यफलु वो क्या कर रहा है। गजालु यजरी हिरन जो है वो दौड़ रहा है। जाबित यरकबू इंस्पेक्टर सवार हो रहा है। तिफलुन यजलिसो बच्चा बैठ रहा है। जमलुन जमल याकुलु ऊंट खा रहा है। यशरबु जमलु यशरबु यशरबु जी जी यशरबु ऊंट पी रहा है। नमिरु याकुलु चीता खा रहा है। कमालु यदखुलु कमाल दाखिल हो रहा है। तिफलु यजहकु बच्चा जो है हंस रहा है। हसन यखरुजु हसन निकल रहा है। ठीक है माजा यफलुन ये क्या कर रहे हैं। अजालुन यजरी जाबितुन यरकबुन तिफलुन यजहकुन जमलुन यशरबुन
जी तिफलन यजलिस बैठ रहा है। ओके जमलुन यशरबुन पी रहा है। ठीक है जी। नमिरुन याकुलुन जी। कमालुन यदखुलुन तिफलुन यसहकुन हसनुन यखरुजुन मत लगाओ। आसिया साहबा ये फेल हैं सब के सब, इनके साथ आप तनवीन ना लगाएं। ठीक है ठीक है ये सब के सब हम फेल हैं अरबी के, तो इसलिए हम इनके साथ तनवीन ना लगाएं। अगले सफ़े पे आ जाएं। अलवादत सामिना, यहाँ से तैमिना साहबा पढ़ें आप। अलवादत सामिना आठवा सबक अलस्वात सही काफ काफ खा गाइन मुराजा रामा तदरीब वाल किताब। क्या मतलब है इसका? दोहराए मुराजतु आमा जनरल रिवीजन, मुराजतु आमा आम जनरल रिवीजन, और तदरीब अल किताब राइटिंग की मशकें, लिखने की मशकें। तदरीब कहते हैं मशक को, आला अल किताब लिखने की मशकें। लिखने सही। अगला सवाल कलबुन कुत्ता यक्तुबु वो लिख रहा है। मिशबकुन जी मिशबक क्लिप को कहते हैं। जी क्या है क्लिप? CLIP क्लिप। क्लिप शुबाकुन खिड़की। काफ कमीसुन कमीज यकरा वो पढ़ रहा है। इब्रीकुन इब्रीक जग कह लें इसको, हम जग ही कह दें। पुराने जमाने का पानी का बर्तन है ये। वैसे अब इसको हम कैटल के लिए जो होती है वो चाय बनाने वाली कैटल होती है उसके लिए भी हम इब्रीक इस्तेमाल करते हैं, और जग भी हम इसको कह सकते हैं, दोनों ठीक है। सुंदूकुन सुंदूक डब्बा। खुबजुन रोटी। नखलतुन नखलतुन खजूर का दरख्त। यतबखो वो पका रहा है। यतबखो पका रहा है। तबाखुन पकाने वाला। ठीक है कुक तबाखुन कुक। अब आज कैसे बाप पढ़ें? ओके सर। कलबुन कुत्ता यक्तबुन लिख रहा है। मिशबतुन क्लिप शुबाकुन विंडो कमीसुन कमीस यकराउ पढ़ रहा है। ठीक है इब्रीकुन ये पानी का कोई बर्तन है। सुंदूकुन बॉक्स। ठीक खुबजुन रोटी। नहलदन कजूर का दरख्त है। यदबखो यदबखो पकाना है। तबाखुन कुकर। ठीक है कुक पकाना सही है। अगला सफा कुक गजालुन हिरन। मिगरफतुन चम्मच। मिगरफा चम्मच को नहीं कहते, मिग्रफा उसको कहते हैं। स्कूप को जी। या जो चमचा होता है बड़ा इसको भी हम मिग्रफा कह सकते हैं। आइसक्रीम वाला स्कूप होता है। यहाँ तक याद भी तो करेंगे ना। इस सबक को बस मुकम्मल करके ख़त्म करते हैं, एक ही सफ़र रह गया बस। तो मिग्रफा कहते हैं इस चमचे को, स्कूप को। अच्छा और समक कहते हैं ग्लू को जी। ग्लू GLUE ग्लू, जो चीज़ें हम जोड़ने के लिए घरों में ग्लू एक गम होती है। गम भी कह सकते हैं और ग्लू भी कह सकते हैं, दोनों ठीक है जी। और फारिक खाली खाली फारिक का मतलब है खाली जी। आसिया साहब पढ़ें आप। गज़लुन ये हिरन। ठीक है मेरफतुन स्पून समउन। मिग्राफा का क्या मतलब है? स्पून चमचा। चमचा जो बड़ा होता है देगचे में जो हम मारते हैं। ठीक है सफ़ोन समग ग्लू क्या है? समग ग्लू फारे उन खाली। ठीक है
अगला तदरीब अव्वल को छोड़ देते हैं, तदरीब सानी भी फजूल है। अगले सफ़े पे आ जाएं, उक्तुब अल कलिमात लातिया, क्या मतलब है इसका आसिया साहबा? उक्तुब लिखे इन कलमों को जैसे कि नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए जो नीचे अल्फाज को कलमे लिखें। दिए उसको आप ठीक इन है। लफ्ज़ों को पढ़ें, उनका मतलब बताएं। कलबुन कुत्ता मिशबकुन ये कंगी क्लिप, नहीं, मिशबकुन क्लिप, क्लिप शुबाकुन ये शुबाकुन जमा है खिड़की, कड़की, कमीज इन कमीज, यकतुबुन लिख रहा है, यकरू पढ़ रहा है, इब्रीकुन जग कैटल, जग, खुबजुन रोटी, यदबुखुन यदबुखुन वो पका रहा है, तबाखुन कुक, कुक, ठीक है। तदरीबुल खामिस अजीबन अलअसिला तिलातिया, नीचे दिए गए सवालों का जवाब दें। हाँ तमीना सबा, पहले आप पढ़ लेंगे। माजा यफ़लु तबाख, तबाख क्या पका रहा है, अतबाखु यदबखुल खुब्ज, यदबखुत ताम, तबाख खाना अच्छा पका इसमें रहा है। अच्छा तो आम माजा यफ़लु समीर, समीर क्या कर रहा है, समीर याकुलु तुआम, समीर जो है वो खाना खा रहा है। माजा यफ़लु तिफ्ल, बच्चा क्या कर रहा है, अतिफ्ल यसको बच्चा हंस रहा है। माजा यफ़लु ज़ाबित, इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, अज़ाबितु यशरबुल मा, इंस्पेक्टर पानी पी रहा है। माजा यफ़लु कल्ब, कुत्ता क्या कर रहा है, अल कल्ब यजरी कुल यजरी यजरी कुत्ता दौड़ रहा है। माजा यफ़लु कमाल, कमाल क्या कर रहा है, कमालु यक्तुबुल किताब, यकड़ाओ कमाल पढ़ रहा है। यकराउल किताब जी, कमाल पढ़ रहा है जी। आसिया साहब आप पढ़ें। माजा यफ़अलत तबाहुन, माजा ये क्या कर रहा है, हाँ कुक जी क्या कर तबाह रहा क्या है। कर रहा है, हाँ जी तबाहुन यतबखुन यतबखुन यतबखुत ताम, यतबखुल तुआम। माजा यफ़अल समीर, समीर क्या कर रहा है, समीरुन समीर खा रहा है, याकुलु याकुलु तुआम, याकुलु तुआम। माजा यफ़अलत तिफल, यफ़अलत तफली, याफ़अलत तिफल, तिफल, तिफल बच्चा यस जी, अतिफलो यदहक, बच्चा हंस रहा है, बच्चा हंस रहा है। माजा यफ़अल ज़ाबितुन, इंस्पेक्टर क्या कर रहा है, ज़ाबितुन यशरबुल मा, अदाबितु यशरबुल मा, अज़ाबितुन यशरबुल मा। देखिए शुरू में अब हमने अलिफ लाम लगाया तो आखिर में दम्मा लगाएंगे। अदाबितु, अदाबितु यशरब यशरबुल मा, ठीक है। माजा यफ़अल कल, यफ़अल कल्बुन जी, कल कल्बुन कल्बु दौड़ रहा है, कल्बु अल कल्बु यजरी, अलकल्बु यजरी, कल अलकल्बु यजरी। माजा यफ़अल कमालुन, कमाल क्या कर रहा है, कमालुन यकरोल किताबुन, ठीक है। कल अलवाद तो तासी है, तो एक सेकेंड एक सेकेंड, कल इंशाल्लाह हम यहाँ से अलवाद तासिया पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले तहमीना साहब और आसिया साहब आपने ये जो वादत सामिन है ये आपने हमें सुनाना है, ठीक है। अच्छा, और ये आसिया साहब ने कौन सा सुनाने, पेज नंबर अलवादत सामिन पूरा जो अभी आपने पढ़ा है ना, इसमें आपने सही तरह नहीं पढ़ सकी, गलतियां भी आपने काफ़ी की हैं, है। तो कल आप ये दोबारा
आज क्लास के शुरू में आप पढ़ेंगी, और अलवादतु ठीक है तासिया ठीक है कलाम इंशाल्लाह शुरू करेंगे पेज नंबर 32 ठीक पे। है।